ऊपर रिकवरी के चांस बहुत कम बचते हैं और वो 60-70% तक जा चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो ये लोग नामजद थे उसमें कितने नामजद हैं? कितने के पांच सर है, क्या नाम उसका? एक गजराज जो बाबी। नहीं मैं ये कह रहा था, मतलब ये अफवाह चल रही थी कि दो ही पकड़े गए, बाकी जो फैमिली वाले एक उसका पिताजी है ना जो साथ हो रहा है, दादा है गजराज सिंह पिताजी। सबसे बड़ी बात है फिलहाल बच्चे की, बच्चे की तो कुछ नहीं, इनसे तो नहीं बोल सकते। मैं गया था वार्डन के पास, मैंने पूछा मैंने आंटी क्या किया, उन्होंने कहा बेटा 50% के ऊपर चांस बहुत कम होता है, मैं तेरे को कोई बयान नहीं दे सकती। मैं तेरे से बोल दूँ कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब हर डॉक्टर यही बात बोल रहा है। विधायक जी आए थे, मैंने सुना संगीत रोल सुन में नहीं आ रहा, अपनी राजनीति बोलो। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, बात हमने भूत ने केस देखी थी। क्या होगा कि ये कोई नया नहीं है, बहुत ज़्यादा केस हुए ऐसे ऐसे। उसमें क्या होता, कुछ नहीं होता, वो जो अपराधी हैं उनको पकड़ दिया जाएगा, पुलिस उनको पकड़ के जो उनको ऊपर जो भी धारा एक्ट जो भी होगी वो सारी लगा दी जाएगी। उसके बाद लगाने के बाद में कानून का काम यही रह जाता है कि उनको अंदर जेल में ठूस दिया जाएगा, साल दो साल में चार साल में, यहाँ से नहीं चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं, हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट से वो जमान करा लेंगे। लेकिन जो हमारी जो बच्ची के साथ में हुआ क्या उसका फिर काम नहीं चल रही, वो इतना ही यही रिजल्ट है उसका, मतलब यही है सरकार की तरफ अनुदान जो भाई एक बात बताओ तुम, ये उसका यही है क्या फिर इसी चीज की? ऐसे तो फिर हम भाई किसी का जवाब भी करके चले जाओ, दो चार साल वहां जाओगे। हमने ऐसा काम करना है, हमने बता देता हूँ कि दूसरे की उस इलाके की तो बड़ी बात है, इस प्रदेश के अंदर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ा हमारे समाज की तरफ। ये पुलिस का हाथ की बात नहीं, पुलिस नहीं करेगी, दंड हमने देना है। वो कैसे देना हम दे जानते हैं, हमारी भाण बेटी साथ में तो कुछ भी हो सकता है, वो कल हो जाएगा, ठीक है ना? हेलो प्रारूप के लिए अभी शाम में भैया दो लोगों से बात है ना। भाई जय श्री राम है सभी साथियों ने, जय माँ भवानी। कोई नहीं भाई, कल कल को दिक्कत नहीं। साथ में कुलदीप तोमर भाई और जितने भी साथी यहाँ पे हैं, भाई ओकेंद्र राणा, और एक बार सामने से दिखा दूं मैं आप सभी को, बहुत सारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए जो चर्चा चल रही थी, जो एक रूप देना है उस चीज को, उस पर बात करते हैं। साथ में हैं उस बच्ची के पिता जिसके साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना में दरिंदगी हुई है, सभी को पता है, सभी को मतलब सोशल साइट के माध्यम से पता है, वैसे किसी न्यूज चैनल की जुबान शायद ना खुली होगी। कुलदीप भाई
जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्राइम टाइम में साथ किसी ने ना दिखाया होगी इतना गलत बयान दिखा रहे हैं ना। एक बयान दिखाया गया कि लड़की को चलाया उसके फादर ने, जबकि फादर को इन्फॉर्म करा गया पड़ोसियों ने कि आपकी लड़की को चला दिया गया। जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं तो आपको कहां से सूचना मिल गई कि लड़की के फादर ने उसे चलाया? पहले तो आप ये बताओ, कुलदीप भाई की बात आपने सुनी होगी, कुलदीप तोमर सेकंड का नाम है, सभी जानते होंगे। और मुझे नई बात का पता चला अभी साथियों, मैं रास्ते में था, ओगेंद्र भाई भी रास्ते में थे। ओगेंद्र भाई इधर जाओ। आज तक जो चैनल है उसने ये दिखाया है कि इस बच्ची को उसके जो पिता खड़े हैं उन्होंने आग लगाई है। मतलब कितनी शर्म की बात है, और ये बात जो है अपने आप में कितनी गलत है, कितनी बुरी है, शर्मनाक है, ये कहा नहीं जा सकता। ये जो भांड मीडिया का चेहरा, खैर इस पे तो भांड का बिकाऊ है, बिकाऊ सीधी पेड़ मीडिया काम कर रही है। चाहे पद्मावती प्रकरण हो, राजपूतों के ऊपर जितने भी जुलम हो रहे हैं उसमें सही से दिखाते नहीं है, और हमारे समुदाय को हमेशा गलत साबित करते हैं। क्या हम अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ना छोड़ दे? क्या हम सड़कों पर नहीं है? जब हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कहां जाएंगे? जिस बाप की बच्ची जो है 14 वर्षीय बच्ची हॉस्पिटल में जूझ रही है, और यहाँ प्रार्थनाओं का दौर जारी है, पूरे देश में जारी है, जहां जहां पता चल रहा है वहां आज तक चैनल का ये कहना है कि उस बच्ची को उसके बाप ने जला दिया। तो भाई तैयार हो जाओ, एक तो साथियों इन पे मानहानि का केस करने के लिए इस तरीके की जो पेड मीडिया चल रही है, पहले मीडिया के बारे में बोल दें। ये जो बयान दिया गया है, मुझे अभी कुलदीप भाई ने बताया कि मैं तो रास्ते में था, मुझे तो पता नहीं चल पाया। कुलदीप तोमर भाई खड़े हैं, जिन भाइयों ने और देखा वो साथी सभी खड़े हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो जमीन पर लड़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी है, स्क्रीनशॉट भी बता रहे हैं भाई की, स्क्रीनशॉट भी इस चीज के है कि बाप ने जलाया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके पीछे जो स्क्रिप्ट है वो किसकी है, कौन चलवा रहा है स्क्रिप्ट? बच्ची को ये नहीं बताया कि मतलब बच्ची के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, पूरे हिंदुस्तान ने सुना होगा। अभी भी बयान देने की हालत में है बच्ची ने बयान दिए यार, बयान दे भी दे, पहले एक बार बयान भी दे चुकी कौन कौन लोग थे, एक के का नाम लेके बच्ची ने बताया है कि कौन कौन लोग थे। उसके बाद भी आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या कह रही है कि बाप ने जला दिया। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कुशल पाल जी बच्चा हूं मैं आपका, इतना ही मैं कहना चाहूंगा, एक एक साथी पूरे हिंदुस्तान से आपके साथ खड़ा है। और ये बात ये नहीं कि ये लाइव में बोल रहे हैं, कुलदीप भाई, ओकेंद्र भाई, जितना हुजूम यहाँ खड़ा है, आप एक बेटी आपकी नहीं हमारी भी है, हमने आज लाएंगे ऐसी बात नहीं है। वो बेटी सभी की है, सभी की है, मीडिया से भी निपटेंगे। अरे आप 2 मिनट के लिए मुझे ये बता दें कि ये जो वाक्य पूरा था 2 मिनट में, कि ये हुआ क्या था पूरा मामला, ताकि ये सभी को पता चल पाए कि मामला एक्चुअल क्या था। सर जी, ये जो मनचले बच्चे थे, ये हमारी बिटिया को परेशान कर रहे थे, और एक मोबाइल दिया था, कहा था कि कॉल कर, हम इस नंबर पर कॉल करेंगे, तू रिसीव करना, और अगर तू रिसीव नहीं करेगी तो हम तेरे बाप को और माँ को गोली लगवा देंगे। अगले दिन मैं बच्चों की शिकायत करने, बिटिया ने उसी दिन रात को जब मैं 9 बजे दुकान बंद करके अपने घर आया, तो बिटिया ने वो मोबाइल मुझे दिया और मुझसे कहा, पापा मैं कल को ट्यूशन नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो मुझे आप छोड़ कर आना, मुझे पिछली गली के लड़के ने इस तरह से मतलब छेड़ा और अभद्र भाषा का व्यवहार किया और मुझे खींचकर मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया, और मैंने जो विरोध किया तो मुझे डराया धमकाया और ये मोबाइल देकर कहा, ये कहा कि इस पर कॉल करूंगा तो रिसीव करिए, अगर नहीं करेगी तो तेरे माँ बाप उसको मोबाइल दे दिया था हम लड़कों ने। हाँ जी, मोबाइल उसके बैग में डाल दिया था, वो मोबाइल हमारे हमने मीडिया को दिखाया है, अभी भी जब्त है हमारे पास, हम जब्त। हाँ जी जी जी। अच्छा, उसके बाद में लड़के का 1:05 पे कॉल मैंने रिसीव किया रात को, और मैंने उसको धमकाया कि तुझे सुबह उठकर बताऊंगा। फिर अगले दिन मैं सुबह और लड़के के बाप के घर गया, जहां मुझे उसकी माँ, उसका बाप, उसका चाचा और उसका बड़ा भाई मिला। मैंने उससे कहा कि तेरे आजा भाई, गोली मेरे गोली लगवा, तेरा बेटा बहुत गोली मारने वाला बनता है, लड़कियों को छेड़ने वाला बनता था। उसने कहा क्या हुआ? मगर तेरे बेटे ने और उसके साथियों ने मेरी लड़कियों को परेशान किया, उसे खींचने की कोशिश की और उसे डराया धमकाया, उसे मोबाइल दिया है। तो इस बात पर लड़के के बाप और उनके परिवार वालों ने मुझसे माफ़ी मांगी और वचन दिया कि मैं मेरा पुत्र और उसके साथी आपकी लड़की को छूने की तो बात दूर, उसकी तरफ को आँख और उठा कर नहीं देखेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। इस तरह का वचन देने के बाद में जब मुझे आश्वासन हो गया कि अब ठीक है सर मामला, अब ठीक है, तो मैं अपनी दुकान पर चला गया, और ठीक 1 घंटे बाद ये लड़का अपने बाप के साथ
और अपने साथियों के साथ मेरे घर आया और हमारा महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्हें। ये सुबह की घटना है, ये अगले दिन सुबह की घटना, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस पर हमारी बिटिया ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारे नाम की पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ। तो उसे भी उन लोगों ने हाथापाई करके उसे भी गंदी गंदी गाली दी और कहा कि तेरे जैसी लोंडियों को तो मैं रोजाना उठवाता हूँ, तू तो चीज क्या है, तू दो कौड़ी की लोंडिया है। और हाथापाई करते हुए उस पर कैरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आपके घर में घुसकर ही है, हमारे घर में। उसके बाद सबको मालूम, मीडिया ने कह दिया थोड़ा ऐसा है। आप उस बच्ची के पिता की सुन रहे थे बात, जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। क्या ये बातें बाद की हैं? अब बात करते हैं पॉइंट की, और यहाँ कुलदीप तोमर भाई और जितने भी साथी हैं, कि नाम लेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। हमारा एक ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी जी की सरकार है। उम्मीद हम यही करेंगे, ऐसी उम्मीद तो थी नहीं, खैर जो हो गया। अभी कितने नामजद थे उसमें जी? छह नामजद थे। गिरफ्तारी कितने की हुई है? पांच की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी बाकी है। इतना हाई प्रोफाइल केस है, बच्ची की हालत जो है क्रिटिकल है, और इतनी क्रिटिकल है कि बच्ची केवल मतलब 70% मेरे ख्याल से जली हुई है ना, 70% बच्ची जो इंजर्ड है। और बयान क्या सुनने को मिल रहे हैं मीडिया द्वारा कि बाप ने आग लगा दी। तो जो मीडिया बयान दे रही है, ये किसके कहने पे बयान दे रही है? इस मीडिया को मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कौन कर रहा है? जबकि उस बच्ची के स्टेटमेंट, उस बच्ची का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उस मजिस्ट्रेट बयान उस बच्ची का हो गया, लेकिन यहाँ की मीडिया दिखा रही है उस बाप ने आग लगा दी। ऐसे हिंदुस्तान चलेगा? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? या ऐसे ये मीडिया चलेगी सब? और एक बयान और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं मतलब जो बात होती है सीधा बोलता हूँ। वहां के जो SSP है उनका एक बयान आया था, आप सभी ने भी सुना होगा सोशल साइट के माध्यम से, अभिषेक सोम भाई उन्होंने भी बताया था। उनका ये कहना था कि राजेश पांडे, जो राजेश पांडे जी का, कि मतलब अपने आप लड़की ने लगाई ये, कि लड़की 20% चली हुई है और अपने आप आग लगाई। वहाँ के SSP ये बोल रहे थे पांडे साहब, और मीडिया ये बोल रहा है कि कहाँ के SSP एक बार प्लीज, मेरठ SSP जो वर्तमान SSP है उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। थाना देखिए सरधना की, मेरठ जिले में सरधना एक जगह पड़ती है, और जो SP लगते हैं वो मेरठ के लगते हैं SSP, और उन पांडे जी का ऑन रिकॉर्ड बयान था, वो यूपी पुलिस की साइड में बना हुआ है। उन्होंने ये कहा कि लड़की केवल 20% जली हुई है और लड़की ने खुद आग लगाई है, जबकि लड़की हॉस्पिटलाइज जैसे ही मेरठ में हुई उसने सभी के नाम बताए हैं कि कौन कौन लोग वहां शामिल थे उनको जलाने के लिए। तो एक SSP का ये बयान, उसके बाद मीडिया का ये कहना कि भाई ये जो है बाप ने आग लगा दी अपनी बच्ची के। तो इस परिवार की मदद करने से तो गए, इस परिवार की सहानुभूति के लोग गए, और इसी तरह की स्टेटमेंट आ रही है। और हम कुलदीप भाई है, ओकेंद्र भाई है, और जितने भी युवा साथी हैं, एक बार सभी पीछे आ जाएं। सभी पीछे आपके साथ है सर। भाई मेरा ये कहना है सभी को कि 24 घंटे का समय तो है, जो एक आरोपी बचा है उसकी गिरफ्तारी हो जा, और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में, कुलदीप भाई बोलिए आइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जैसे मंदसौर का आरोपी। और हम तो फांसी की मांग करेंगे इनके लिए, सीधी फांसी की मांग, कि उस बच्ची की तस्वीर नहीं देखी जा रही है किसी से, सीधी फांसी हो, ऐसा ना हो कि इस मामले को जो है अभी रफा दफा करने के लिए कि गिरफ्तारी करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जाए, ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और सीधी बात है, अगर ये चीज नहीं होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलता, और 24 घंटे अब से कल शाम तक, ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, हम वो कह के जा रहे हैं जो करेंगे। अगर 24 घंटे में सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो हम जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी संख्या के साथ अनशन पर बैठ जाएंगे और वहां से उठेंगे नहीं। बिल्कुल ओकेंद्र भाई, कैसी बात है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हम बैठ जाएंगे, डंडे मारे पुलिस हमें कुछ भी करे, कैसे भी करे, डंडे खाएंगे अपनी बहन बेटियों के लिए, लेकिन सीधा ये ऐलान करते हैं, अगर ये समय नोट कर ले और अगले 24 घंटे नोट कर ले, अगर जो छठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मैं सभी के सामने और सभी भाइयों के साथ ये ऐलान करता हूं कि कल रात से ही हम अनशन पर, जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे। और दूसरी मांग हमारी कि प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता हुए,
जो कैबिनेट के हों या जो है जो बड़े बड़े नेता हैं उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है, ये मामला हुआ क्या है, किस तरीके की घटना हुई है, क्या बेटी पढ़ रही है, क्या बेटी बच रही है। गिरफ्तारी होने के बाद दूसरी मांग सुन लिया, फांसी की सजा के अलावा कोई और बात हमें मानने नहीं, नहीं कोई और उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए और 56 दिन के अंदर ही फैसला आना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में 56 दिन के अंदर फैसला आ सकता है तो यहाँ पर भी आ सकता है। मध्य प्रदेश से कई गुना आगे यूपी है, कई गुना आगे विकास में यूपी है, और इस काम में अगर विकास नहीं दिखाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरा समुदाय हमारा सड़कों पर है, बहुत रोष है समुदाय में, आज सरदना में भी काफी लोग थे। हम रोड जाम करने वाली स्थिति दोबारा पैदा कर सकते हैं और हम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है, दोषियों को फांसी दी जाए, बस सिर्फ फांसी दी जाए। और इसका मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कि ठीक है भाई, भाई ने अच्छा बताया कि भाई वहाँ पे जंतर मंतर में बैठेंगे। मैं थोड़ा सा अलग विचारों का आदमी हूँ। वो क्या है, जब हमारी भाण बेटी आया यार, वो सरकार नारा देती है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ यही अच्छे दिन है क्या? तो मैं योगी जी आदित्यनाथ जो यूपी के CM साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उनको फांसी नहीं दी तो भाई रण नहीं, बहुत बड़ा महारण होगा उत्तर प्रदेश में। हमारी बेटी अगर जलाई गई है ना, हमारी बेटी जलाई गई समाज की, तो जिन्होंने जलाई उनकी भाण बेटियों को भी भूखेंगे घरों में घुस के, उनकी बेटियां भूखेंगे, हम भूखेंगे, हम भूखेंगे भाई उनकी बेटियों को। ये थोड़ी कि इसका मतलब है पुलिस ने पकड़ लिया और उनको 6 महीने के अंदर डाल देगी फिर बाहर छोड़ देगी, होनी चाहिए उनकी फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती है तो हमें नहीं जरूरत ना तो पुलिस की ना प्रशासन की ना सरकार की, हम खुद दंड देना जानते हैं। ठीक है भाई, जय बोल। भाई ने 24 घंटे का टाइम दे दिया, इसका मतलब भाई तैयार रहो, सारे भाई सभी लोग तैयार हो जाए और सारे भाई एक साथ 24 घंटे। भाई ने बोल दिया शाम को आ जाएंगे, दिल्ली की पूरी टीम उनके साथ है और सारे भाई जितने भी देख रहे हैं जो भी है सब उनके साथ। एक बार भाई सभी पीछे आ जाओ, सभी पीछे आ जाओ भाई, सभी पीछे आ जाओ साथियों। भाई बात ये है, जितने स्वर्ण बिरादरी के जो भी है, राजपूत है, ब्राह्मण है, चाहे बनी है, जो भी है, ये एक समाज की बात नहीं है, पूरे अपने जनरल समाज की बात है। सारे स्वर्णों को एक होना चाहिए। मैं खुद दिनेश पंडित दिनेश पहलवान गोड बुराड़ी दिल्ली से इब्राहिमपुर से, और मैं इसके लिए आह्वान कर रहा हूँ कि जितने दिल्ली में पूरे भारत में जो भी आदमी है सब पूरा इस भाई का साथ दीजिए, पूरी स्वर्ण बिरादरी का जो भी है ये सबके ऊपर कलंक एक तरीके का। तो भाई हमने यही बात कहनी थी कि 24 घंटे का समय है, उसकी गिरफ्तारी हो जा और 2 महीने के अंदर इनको फांसी पर लटका दिया जाए, वरना जो हमें ऐलान करना था, जो बोलना था, और अपनी इज्जत के लिए, बहन बेटियों के लिए हम तो लड़ेंगे ही सड़कों पे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम।